बात याद रखिए, जाति के चक्कर में अफगानिस्तान से खत्म हो गए, जाति में बटे रहे पाकिस्तान से खत्म हो गए, जातियों में बटे रहे बांग्लादेश से खत्म हो गए और जातियों में बटे रहे भारत के 9 राज्यों से भी खत्म हो गए। केवल 22 राज्यों में बचे हुए हैं और अभी भी अगर जातियों में बटे रहे तो याद रखना अगर 25 साल के बाद बचे हुए 22 राज्यों से भी हम खत्म हो जाएंगे। क्या आप यही चाहते हैं क्या? आप क्या जातियों में बटे रहने चाहते हैं क्या? तो अपने अपने घर जाके बताइए। मैं अपने ब्राह्मण भाइयों से कहता हूँ, अपने जाके कम से कम 10 ब्राह्मणों के घर जाइए, जो जिनको बांटा जा रहा है जाति के नाम में, उनसे कह दीजिए भारत में केवल 22 राज्य बचते हैं, हमने नहीं बचना। मैं अपने पटेल भाइयों से कहता हूँ, जाके अपने 10 घर में जाइए और कह दीजिए बहुत हो गया, मैं पटेल वाद हूँ, मैं उससे पहले भारतीय हूँ, उससे पहले हिंदू हूँ, इसलिए प्लीज हाथ जोड़ के मुझे अपने जातियों पे मत बांटिए, मुझे भारतीय बने रहने दीजिए और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने दीजिए, हम इधर नहीं जाएंगे। दूसरी बात, मैं आपसे एक और, कभी आपने अखिलेश यादव के मंच पर वंदे मातरम का नारा सुना क्या? कभी आपने अखिलेश यादव के मंच पे भारत माता की जय सुना क्या? कभी आपने अखिलेश यादव को जय श्री राम बोलते हुए सुना क्या? अखिलेश यादव कहते हैं कृष्ण भगवान हमारे सपने में आए, लेकिन आज तक उनकी हिम्मत नहीं है। मैं आज किसी मन से उनको चुनौती देता हूं, अखिलेश बबुआ, यदि आपको वास्तव में कृष्ण भगवान सपने में आए तो एक बार नारा लगाइए, नंद बाबा हम आएंगे, नंद बाबा हम आएंगे। आज आपके इस मुगरा वास्तापुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के मुखिया को सीधा मैं चैलेंज करता हूं, एक बार वो वास्तव में यदुवंशी है, मैं अपने यदुवंशी समाज से कहना चाहता हूं, एक बार अखिलेश यादव के मुंह से कहवा दीजिए कि नंद लगा हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और ये जो नारा